एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टेम्पटेशंस। और मैं हूं आपकी होस्ट बिंदु। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि जो आप ग्रीन चटनी अपनी रेसिपीज में दिखाते हो वो इतनी ग्रीन कैसे रहती है। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपकी ग्रीन चटनी का कलर चेंज नहीं होगा और वो नेचुरली ग्रीन रहेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ग्रीन चटनी बनाने के लिए मैंने पुदीने की लीव्स को अलग कर लिया है और धनिए को भी मोटा मोटा कट कर लिया है। आप चाहें तो चटनी खाली पुदीने की भी बना सकते हैं और चाहे तो खाली धनिए की भी बना सकते हैं, लेकिन मैं दोनों को मिक्स करके बना रही हूँ। अब इन दोनों को अच्छे से साफ पानी में धो लेंगे। देखिए, मैंने पुदीना और धनिए को अच्छे से धो लिया है। अब लेंगे एक मिक्सी का जार। अब इसमें पुदीना और धनिया लीव्स को डालेंगे। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच जीरा, एक चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार हरी मिर्ची, और खटियाई के लिए हम इसमें अमचूर का यूज़ करेंगे। आधा चम्मच में डाल रही हूँ अमचूर पाउडर। यदि आप चटनी बनाने के लिए इमली या अनारदाने का प्रयोग करते हैं तो उससे भी चटनी का कलर चेंज हो जाता है। क्या आपको पता है कि जब हम चटनी बीट करते हैं तो उससे मिक्सी के जार में हीट प्रोड्यूस होती है जो कि चटनी के कलर को चेंज करने के लिए काफ़ी है। इसलिए मिक्सी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 आइस क्यूब्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, इससे मिक्सी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा और हमारी चटनी का कलर भी चेंज नहीं होगा। अब इन सबको ब्लेंड कर लेंगे। देखिए, इसका कलर बिल्कुल ग्रीन है, ज़रा भी चेंज नहीं हुआ है। अब मैं इस चटनी को बाउल में निकाल रही हूँ। अगर आप मीठी चटनी पसंद करते हो तो इसमें अपने स्वाद अनुसार चीनी डालकर ब्लेंड कर लें। चीनी डालने से भी इसका थोड़ा कलर चेंज होता है। लीजिए, चटनी बनकर के तैयार है। इतना सुंदर ग्रीन कलर आया है। आप भी इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिए और अपनी ग्रीन चटनी को नेचुरल ग्रीन कलर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।